नमस्कार दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है और आप चाहते हैं कि उस दुर्भाग्य को आप सौभाग्य में बदल दीजिए, तो उसके लिए कुछ आसान से उपाय लेकर आई हूँ। उन उपायों को करने से आप जो भी आपका दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाएगा। नंबर एक, जो आपका मेन गेट है उस पर गणेश की प्रतिमा लगाइए। गणेश भगवान की प्रतिमा ऐसी लगाइए कि वह जब भी आप प्रतिमा या फिर अपना गेट खोलें तो वह प्रतिमा अंदर की साइड ही आए, कभी बाहर की साइड ना आए। तो ऐसे करने से आप पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। साथ के साथ आप सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित कीजिए, क्योंकि दुर्वा घास भगवान गणेश की चहेती है। तो आप यदि दुर्वा घास अर्पित करते हैं तो जो भी आपके दुर्भाग्य हैं वह दूर हो जाएंगे। नंबर दो, जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप किसी गरीब परिवार के या फिर किसी गरीब बच्चे से मिलते हैं तो उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे सकते हैं, या फिर आपको यदि किन्नर मिल जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप उन्हें कुछ पैसे दे दीजिए और पैसे देने के बाद उनसे एक सिक्का अपने पास ले लीजिए और उस सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा माना जाता है यदि उनके हाथ से लिया गया सिक्का आपके घर में धन को बढ़ा सकता है। यदि आपके धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी है जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ ही पूजा कीजिए, जिससे कि आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और माता लक्ष्मी की भी आप पर कृपा रहेगी। नंबर तीन, यदि आप बरगद के पेड़ से कोई भी एक पत्ता लेकर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं और अपने घर ले आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उस पत्ते को यदि आप तिजोरी में रख दें तो वह भी आपको लाभ देता है, चाहे वह धन से संबंधित हो या फिर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत लंबे समय से रोगी हो उसके लिए भी आवश्यक होता है, वह रोगी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और यदि काली हल्दी मिल जाए और उसकी गांठ लेकर आप यदि तिजोरी में रख देते हैं तो आपके जितने भी दुर्भाग्य हैं वह दूर हो जाएंगे। तो ये हैं कुछ आसान से उपाय, यदि आप करते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।